आज के इस वीडियो लेक्चर में एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और एज लिमिट क्या है। पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी, दिस इज हिमांशु। जैसे कि आप जानते हैं, आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग सबसे पहले मिलता है आपको हमारे चैनल अवर सार एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार उद्गम मतलब की एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज कंपनी में, यहां पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहां पे देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके के ऊपर यहां पे आप करियर्स पे जाइएगा और इसका नोटिफिकेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो भी आ चुका है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस ऑफिशियल पीडीएफ की लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहली बात आती है, सर इसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखिए 6/12/2022 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और 5/1/2023 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो चलेंगे। देखिए, हाल ही में मैं क्लियर करना चाहूंगा, एक एक करके काफी सारी वैकेंसी आ रही है, चाहे वो IIT इंदौर में हो, लखनऊ छावनी में हो, लोबोंग छावनी हो, या फिर ऐसे करके MIT आपके मौलाना आजाद नेशनल टेक्नोलॉजी में हो, एक एक करके काफी सारी फार्मासिस्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जहां पे कि सर ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो एलिजिबल है, हर वो फार्मासिस्ट एलिजिबल है जो अलग अलग स्टेट से रजिस्टर्ड है। चलिए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी सारी डिफरेंट वैकेंसी है जिसमें कि आपकी स्टाफ नर्स की होगी और जहां जहां स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है पैरामेडिकल में, तो फार्मासिस्ट वी की भी यहां पे वैकेंसी आप देख पा रहे हैं। कितनी वैकेंसी सर, UR की एक ही वैकेंसी। अब काफी स्टूडेंट बोलेंगे, सर ये एक जो वैकेंसी है इसमें तो क्या ही नोटिफिकेशन है, तो इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, देखिए अगर आप वेट कर रहे हैं कि कम से कम 300 400 500 वैकेंसी आएगी, तो ऐसी भी वैकेंसी आती है बट इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अभी आप यूपी में जो है वैकेंसी आ रखी है जिसमें कि लगभग आपकी 445 फार्मासिस्ट की नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है। और इसके रिगार्डिंग मुझे एक और चीज याद आ रही है, काफी स्टूडेंट का मैसेज है कि सर यूपी में फार्मासिस्ट की जो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जो वैकेंसी आई है, तो इसके ऊपर में एक और सेपरेट वीडियो मेरा बहुत ही जल्द आने वाला है जिसमें कि मैं उसको सिलेबस को लेकर प्रॉपर वे में आपको बताने वाला हूं कि टिक मार्क कि सिलेबस को लेकर आपको कैसे नजर रखनी है, कैसे स्टडी करनी है, कैसे प्लान करना है। चलिए, तो यहाँ पे हमने देख ली एक अनरिजर्व की पोस्ट है सर फार्मासिस्ट बी का, और ग्रेड पे जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो बहुत ही अच्छा ग्रेड पे आपका यहाँ पे रहता है, यूजुअली जो हम देखते हैं लेवल 5 का ग्रेड पे यहाँ पे रहने वाला है। अब बात आती है सर नोटिफिकेशन में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या रहने वाली है, इस पे नजर डालेंगे। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं नंबर 8 में फार्मासिस्ट का, ये इसकी एलिजिबिलिटी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, HSC यानी कि आपका 10+2 जो है होना चाहिए, मतलब 12th पास आउट, 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी है ना, डी फार्मा आपका कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपके पास 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है और वो यूजुअली हर वो डी फार्म स्टूडेंट के पास होती है जो कि डिप्लोमा पास आउट करता है। ठीक बात, अब क्या है यहाँ पे देखिए, रजिस्टर्ड एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, आप भारत में किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से आप यहाँ पे एलिजिबल है, बस अर्थ है यहाँ पे आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी 3 मंथ था और यहाँ पे स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, तो डिप्लोमा एलिजिबल है फार्मासिस्ट के लिए, तो बी फार्म तो एलिजिबल है ही है। ठीक है, अब बात आती है सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, इसके ऊपर नजर डालेंगे कि सर इसका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा या और इंटरव्यू होगा, किस हिसाब से इसका जो है एलिजिबिलिटी रहने वाला है। चलिए, तो एज लिमिट की मैं अगर बात करूं, तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए 18 से लेकर 25 साल है ना, अगर फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, क्या है फ्रेशर कैंडिडेट जो है, मतलब जो डी फार्म बी फार्म पास आउट है, यहाँ पे एज लिमिट से हमें पता चल रहा है 18 से लेकर 25 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की और मैं आगे बढ़ूं, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका चयन प्रक्रिया जो है वो कैसे होने वाली है। तो फार्मासिस्ट की मैं बात करूं चयन प्रक्रिया की, तो यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा प्लस प्रारंभिक परीक्षा, मतलब कि आपका रिटर्न एग्जाम, प्राइमरी टेस्ट एंड एडवांस टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट जो है वो आपका रहने वाला है। समझ में आ रही है बात आपको, आपका रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट में सर सिलेबस क्या रहने वाला है इस पे नजर डालते हैं। तो देखिए इंग्लिश के आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वालिटी एप्टीट्यूड के 20 और आपके यहाँ पे सभी, मतलब कि आपका
जो प्रोफेशनल वर्क है यानी कि आप फार्मेसी से बिलोंग करते हैं तो 60 मार्क्स के आपके फार्मेसी से आने वाले हैं, मतलब कि 60 इसके और 40 जो है आपके अदर सब्जेक्ट के, टोटल आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, ये आपकी हो गई प्रारंभ परीक्षा। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में 1:5 रेशियो में ये सेलेक्ट करने वाले हैं, मतलब जहां पे एक पोस्ट है तो 5 बंदों का इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा, जिसमें कि एक जना जो है वो सेलेक्ट होने वाला है। अब बात आती है सर प्रारंभिक, इसमें यहाँ पे देख लिया हमने प्रारंभिक परीक्षा आपकी होगी, फिर आपका एडवांस टेस्ट होगा और उसके बाद में जो है आपका यहाँ पे किस हिसाब से आप सेलेक्ट होते हैं आगे प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक हमें लगभग बात समझ में आ गई। अब ये कैसे किस हिसाब से छटनी करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा डिटेल में कि प्रारंभ परीक्षा में आपके जितने नंबर आएंगे, एडवांस में, कौशल परीक्षा में आएंगे, उस हिसाब से आपको किस हिसाब से रहेगा, और यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग है या नहीं वो भी यहाँ पे कंप्लीटली मेंशन किया गया है। चलिए अब बात करते हैं सर, ये वाला सब तो हमने समझ में आ गया, आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पे आपने जैसे कि देखा ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है npcilcareer.co.in, जहाँ पे आपको 6/12 है ना 6/12/2022 से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे सुबह 10 बजे से, जिसकी लास्ट हमने आपको डिस्कस की 5/1/2023 जो है वो रहने वाली। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अभी हाल ही में एक 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 काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आप ये विचार ना करें, जिस स्टूडेंट की तैयारी अच्छी है तो कम से कम फॉर्म जरूर डालें, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि ऐसे ही अगर इस डिपार्टमेंट में किसी में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैल्यूबल जॉब आपको मिलती है। चलिए अब बात आती है सर, यहाँ पे एक पोस्ट है तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए ना करना चाहिए, तो देखिए ये सभी आपको स्वविवेक से डिसाइड करना है। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं कि देखिए यहाँ पे अगर आप बंच वैकेंसी का वेट करेंगे तो शायद आपको कुछ लंबा समय वेट करना पड़ जाएगा। आप जितने एप्लीकेशन फॉर्म को डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस जो मिलेगा, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे आप जो है और आप फार्मासिस्ट बनना भी चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी फॉर्म को जो है मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं तो आपको एक्सपीरियंस जो है वो जरूर मिलेगा। हर बार आपको हर एग्जामिनेशन में नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे कि हो सकता है आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। चलिए आठ है, किसी के रनिंग में है, किसी के स्टार्ट होने वाले हैं और किसी के एंड भी हो जाएंगे, मतलब दिसंबर मिड में भी एंड हो जाएंगे, तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं एम्स में फार्मासिस्ट के भी लास्ट डेट जो है वो भी जाने वाली है, इसके ऊपर भी हम कंप्लीटली बात कर चुके हैं, तो आप अपडेट रहिएगा। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो ध्यान में रखिएगा, आप ऐसा मत सोचना मैं बाद में फॉर्म भर दूंगा, अगर आपको भरना है, आपने डिसाइड करना है तो समय पर आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये बेस्ट रहेगा। चलिए और आने वाले वीडियोस में भी मैं आपके फार्मासिस्ट की तैयारी के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन जो है वो लाता रहूंगा, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।